हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मैं आ गई हूँ अपना वही डेली रूटीन का न्यू ब्लॉग लेके। नई नया दिन, नई सुबह। और आप सब सुनाइए, कैसे हैं? आज है ट्यूसडे मॉर्निंग और मैं दिखा रही हूँ मेरा सुबह का जो घर है वो कैसा मैसी हुआ पड़ा है, सारा फैला पड़ा है। देखिए पूरी किचन, सारे रूम दिखाऊंगी मैं सुबह के टाइम कैसी हालत होती है जब हम उठते हैं। सब जगह चीज़ें कहीं, सबके रूम फैले हुए हैं, किसी की बेडशीट फैली हुई है, किसी के कहीं कपड़े पड़े हैं, कुछ पड़ा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी बच्चों के लिए, क्योंकि डुगू के स्कूल का जाने का टाइम हो रहा है। वही डेली वाली दिनचर्या। मैं सुबह उठ के नहा धो ली और लग गई काम में, क्योंकि आते ही मैंने सबसे पहले पोहा रेडी करा है उसके टिफ़िन के लिए। सो लंच में ये हो गया। यहाँ डुग्गू जा चुका है और मैंने भी एक बार ना चाय पी ली है, क्योंकि जब तक चाय ना पियो तो कुछ कुछ मन ही नहीं करता काम करने का। डुग्गू के जाने के बाद मैंने पहले चाय पी है, थोड़ी सी नमकीन खाई, फिर थोड़ी देर लेटी और अब काम में लग गई हूँ। और एक बात, मैंने कपड़े तो साथ के साथ ही धो दिए थे डुग्गू के जाने के बाद। कपड़े मेरे आज थोड़े कम थे, 2 राउंड के कपड़े थे तो कपड़े धुल चुके हैं। बस यहाँ मैं अपने रूम में आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने रूम की, क्योंकि 3 दिन हो गए थे बेडशीट चेंज नहीं करी थी, मेरे को बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी, मैंने पहले बेडशीट उतार के मशीन में डाल दिया। जब तक यहाँ कमरे में बेडशीट वगैरह बिछाऊंगी, कमरे की डस्टिंग करूंगी, तब तक फ्रेंड्स और काम मेरे निपट जाएंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले बेडशीट बिछाऊंगी, और बेडशीट बिछाने का मेरा वही तरीका है जैसे मैंने बताया था। पहले आगे की तरफ से फोल्ड करती हूँ और फिर इधर से। और फ्रेंड्स, यहाँ बेडशीट वगैरह बिछा के थोड़ी डस्टिंग करने के बाद फिर सारा मैं कोने वगैरह से सब तरफ से क्लीनिंग करूँगी, झाड़ू लगाऊंगी। जो कूड़ा है थोड़ा बहुत बेड के पीछे साइड में सब जगह घुस जाता है, तो इस चक्कर में झाड़ू तो हर एक कोने में से लगानी पड़ती है रोज़ ना रोज़। और अगर नहीं लगाओगे तो कूड़ा इकट्ठा होता रहेगा, फिर हमें ही प्रॉब्लम है। फिर इकट्ठी सफाई करो और ज़्यादा काम फैल जाता है। तो इससे तो अगर रोज ही थोड़ा 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 टाइम देते रहेंगे तो काम भी निपटेगा और हमारा घर भी क्लीन रहेगा। यहाँ पे अब बेडशीट बिछाने के बाद मैं पहले झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा, और एक एक कमरे करके मैं ऐसे ही सारे कमरे निपटाऊंगी, क्योंकि 3-4 कमरे हैं। और बालकनी वगैरह तो मैं सुबह ही कर लेती हूँ, एकदम उठते ही जस्ट मंदिर से आती तो सबसे पहले पाइप लगा के अपने दोनों बालकनियों को धो लेती हूँ, क्योंकि सबसे पहले बाहर की बालकनी धुल जाती है तो फिर ये है अंदर आप जितनी मर्जी लेट काम करते रहो। डस्टिंग वगैरह भी मैंने रूम की करने लग रही हूँ, जो भी कुछ डस्ट है रोज ही कपड़ा थोड़ा थोड़ा मारते रहो तो डस्ट इकट्ठा ही नहीं होता। और अगर हो जाता है जैसे अलमारी के ऊपर हो गया, या थोड़ी ये फोटो पे या किसी भी पर्दे वगैरह पे, तो रोज ही कर देती हूँ। और ये अपने डेस्क बोर्ड को भी मैं रोज ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि यहाँ छुटपुट छुटपुट सामान रखते ही रहते हैं, जो भी आता है कुछ भी होता है सब यहीं रख देते हैं ला ला कर, तो गंद होने ही नहीं देती। सुबह इन्हीं सब चीज़ों में 15-20 मिनट तो मेरे लग जाते हैं क्लीनिंग क्लीनिंग में, ये डस्टिंग और ये सब करने में, क्योंकि जितना मर्जी जल्दी कर लो टाइम तो लगता है फ्रेंड्स। अगर काम ढंग से करोगे, आराम से करोगे तो काम टाइम लगता है, बट ये है कि सफाई दिखती है कि हाँ ढंग से करी है। अदरवाइज उल्टी सीधी कर लो तो कोई वो नहीं है, उसमें गंद दिखता है, ज़्यादा ढंग से सफाई नहीं दिखती। बस एक बार तो मैं सुबह नहा ही लेती हूँ काम करने से पहले, क्योंकि पहला नियम ही है कि उठ के नहा के सबसे पहले पूजा करने के बाद ही मैं कुछ काम करती हूँ। मंदिर में मंदिर जाने के बाद ही घर के काम मैं निपटाती हूँ। तो एक बार सुबह नहा लेती हूँ, एक बार 11 बजे जब काम निपटता है मेरा, 11 बजे 12 बजे जो जितना भी टाइम लग जाता है, कभी 12 भी बज जाते हैं, कभी 1 भी बज जाता है बस। और अभी मैंने दोपहर के खाने
खाने की कोई तैयारी नहीं करी है, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊं क्यों नहीं बनाऊं। सब्जी भी नहीं है फ्रिज में कुछ, मैं मार्केट नहीं गई थी तो अब सोच रही हूँ क्या बनाऊं, क्योंकि सुबह पोहा बना दिया है और आज वैसे भी इनका फास्ट है, ट्यूसडे है। सब्जी अगर मैं सब्जी ना भी बनाऊं तो चल जाएगा, चावल छोंक लूँगी शायद, ऐसा करती हूँ। आज पुलाव बनाऊँगी, पुलाव बच्चे खुश होके खा लेते हैं, वो बनाकर देखूंगी। और देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स रूम में। एक बार अभी तो झाड़ू पोछा हुआ नहीं है, डस्टिंग और बेडशीट वगैरह ही साफ़ करके बिछाने से ही एकदम क्लीन है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लाइजोल यूज़ कर रही हूँ या कोई ऐसा खर्चे वाली आइटम यूज़ कर रही हूँ जिससे सफाई की ज़्यादा वो, बट जो भी है, एक कपड़ा सूखा लो, एक गीला लो, और अगर ज़्यादा है तो डिश वॉश ले लो, उससे कर लो क्लीनिंग। बिल्कुल रूम आपका साफ़ दिखेगा। बस ऐसे करके सबसे पहले मैं झाड़ू भी यहाँ लगा ही लूँगी, फिर झाड़ू लगाने के बाद ही मैं पोछा लगाऊँगी। और ये कोनों में ना थोड़ा 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 उड़ के गिर चला जाता है गंद, तो यहाँ पे भी रोज़ ही मेरे को लगानी पड़ती है झाड़ू। और जब कार्तिक मेरे रूम में बैठता है ना, तो वो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेरा रूम ख़राब कर देता है, क्योंकि वो ऐसे बैठता है बस सारा। फ्रेंड यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी लेट के, झाड़ू लगाने के बाद पूरा घर, पूरे घर में ही लगा लूँगी, इस कमरे से निकल के बाहर चौक में, बरंडे में, और किचन, किचन एरिया तो मैं आज एंड में क्लीन करूँगी, क्योंकि आज बच्चे भी नहीं हैं, सब दोनों गए हैं स्कूल, कार्तिक भी गया है आज, तो कार्तिक का मैथ का एग्ज़ाम है, नो सॉरी साइंस का एग्ज़ाम है, मैथ का तो हो गया था, साइंस का एग्ज़ाम है वो गया है। डुग्गू भी सुबह चला गया और ये भी शॉप पे चले गए, तो आज घर बिल्कुल खाली है। तो आज पहले सफाई का काम निपटाऊंगी, फिर एंड में किचन में जाऊंगी, किचन को क्लीन करूंगी, क्योंकि जब सारे होते हैं तो सफाई सही से हो नहीं पाती। सफाई करती हूँ तो फिर सबके सब पैर बनाते हुए चलते हैं, तो इस चक्कर में पहले मैं किचन का निपटाती हूँ और बाद में रूम का काम। तो फ्रेंड्स अब यहाँ मैं पोछा लगा लूँगी, पोछा यहाँ पे मैं वैसे पैट के भी लगा लेती हूँ, आज मैंने थोड़ा डंडे वाले से घुमा के और वाइपर से खींच दिया, जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी, ऐसे करके सारा जो थोड़ा बहुत गंद भी होता है ना वाइपर से पूरा साफ होकर आ जाता है। अब बाद एंड में एक बार निचोड़ के पोछा वैसे लगा दूंगी, सो सारा घर साफ हो जाएगा। बस यहाँ पे ये निपटाऊंगी, फिर दोपहर में दोपहर के खाने की प्रिपरेशन में लगूंगी। और जब बच्चे गर्मी में आते हैं ना तो बड़ा वो लगता है, सामने क्या कहते हैं, सॉरी सामने कह रही हूँ, खाना तो गरम गरम ही बनाती हूँ। इसे देखिए अब रूम कितना क्लीन लग रहा है, यहाँ पे हो गई रूम की क्लीनिंग, बिल्कुल साफ लग रहा है रूम। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ रूम की हो गई है सफाई। अब मैं आ गई हूँ किचन में, हाँ देखिए किचन मेरी पूरी फैली पड़ी है, और अब मैं लगूंगी किचन की सफाई करने में, क्योंकि किचन का काम करने में कम से कम 40 से 50 मिनट मेरे को लग ही जाएंगे। यहाँ पे अब किचन का काम निपटाऊंगी, क्योंकि सुबह के टाइम किचन का सब कुछ फैल जाता है, कि वैसे तो मैं साथ के साथ कपड़ा मारती रहती हूँ शेल्फ पे, बट ढंग से मैं अब वही अभी करूँगी 11 बजे के करीब, जब पूरा काम निपट जाएगा घर का, और ये सारे मैट मुट धो के, ये मंदिर का है इधर, मंदिर के ऊपर लगाती हूँ यहाँ पे मेज के ऊपर बस। और फ्रेंड्स एक बात और, कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मन भी नहीं कर रहा मेरा कुछ करने का काम, बट करना पड़ेगा, क्या करें, किचन इतनी गंदी नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं कि किचन को अगर साथ के साथ रोज़ के रोज़ साफ़ करते रहोगे तो गंद वही है कि इकट्ठा ही नहीं होने दो। और ऐसे ही रोज़ गैस को तो सुबह जब काम निपट जाता है, साथ के साथ ब्रश साफ़ करके बिल्कुल क्लीन करके जब भी दोपहर का खाना बनाऊँगी तो गैस भी पूरा दिन साफ़ सी दिखेगी। फिर चाहिए है आप ऊपर से एक बार कपड़ा मारते रहो तो इतना गंद नहीं दिखता, वो बस एक बार अभी गंदी होगी क्योंकि चावल छौंकूंगी ना, तो चावल छौंकने पे फिर गैस गंदी थोड़ी बहुत तो छींटे जाती हैं, बाद में कर लूँगी, बट कोई नहीं, एक बार को तो मैं पूरा सारा क्लीन कर लूँगी किचन एरिया सारी, ये शेल्फ वगैरह सब चीज़।
क्योंकि सुबह से उठे उठे किचन भी एक ऐसी बेचारी लगी रहती है, कोई कभी कुछ बन रहा है कभी कुछ बन रहा है, हमारे पेट भरती रहती है ये अन्नपूर्णा रसोई हमारी। तो इसकी क्लीनिंग तो सबसे ज़्यादा नेसेसरी है बिल्कुल ढंग से सफाई करने की। और यहाँ पे मैं बर्तन भी पहले सारे बर्तन धो लूँगी, फिर उसके बाद पूरी क्लीनिंग करूँगी, ड्रॉर्स वगैरह सारी साफ़ करूँगी। आज सब्जी नहीं बनाई है, अगर सब्जी बना लेती तो फिर मेरे को चावल नहीं बनाने पड़ते, सब्जी भी बनाती कहाँ थे, कुछ सब्जी थी ही नहीं। तो इसी चक्कर में फ्रेंड्स अब चावल ही छौंकूँगी, जब बच्चे आएंगे 1 बजे के करीब ही तभी छौंकूँगी, गरम भी रहेंगे क्योंकि जब खाएंगे तो इससे। तो यहाँ पे ये काम ख़त्म होएगा, उसके बाद मेरे को कपड़े समेटने हैं, प्रेस वाले कपड़े भी रखे हैं इकट्ठे हो रहे हैं, कल भी प्रेस नहीं करी थी क्योंकि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सो अब ये अब यहाँ पे फ्रेंड्स बर्तन साफ़ करने के बाद सिंक और वो जाना की तरह है, जितनी बार भी बर्तन मारती हूँ इसमें ज़रूर जूना में मारती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत भी गंद रहता है तो खुद ही को अच्छा नहीं लगता। और पानी चालू करके सिंक बिल्कुल साफ़ करके, और ये जहाँ मैं ये सारा क्लीनिंग का सामान रखती हूँ इसको भी मैं रोज़ के रोज़ ही साफ़ करती हूँ, गंद इकट्ठा ही नहीं होने देती यहाँ पर भी, तो बिल्कुल चमकता हुआ दिखता है इससे। बस फ्रेंड्स यहाँ काम निपटाने के बाद अब बच्चों का वेट करूँगी, फिर उसके बाद कपड़े प्रेस करके रखने हैं, और एक बात जब बच्चे आएंगे खाना उनको गर्म गर्म दूँगी, फिर दोपहर का सारा काम फैलेगा। काम निपटाने के बाद एक बार चाय पी लेती हूँ, बट अब गर्मी है तो बिल्कुल मन नहीं करता कि दोबारा चाय बनाऊँ, और अपने लिए स्पेशली। यहाँ पर फ्रेंड्स सारे छोटे छोटे काम ख़त्म करके किचन के तभी एंड में सफाई करूँगी, जो जिससे पहले पूरा किचन का जो प्लेटफॉर्म है उसको क्लीन करने के बाद फिर ज़मीन का नीचे की सफाई करूँगी, और जितने भी ये ड्रॉर्स के गेट हैं इन सब को पूरा क्लीन करने के बाद फिर नीचे पूरी सफाई होगी, तब जाके किचन मेरी क्लीन होगी, चमकती हुई दिखेगी। डेली का यही रूटीन है। सो क्या करूँ, कुछ और नया है नहीं, बाज़ार जाऊँ या बाहर जाऊँ तो मैं उसका ब्लॉग बनाऊँ, अगर मार्केट में फ़ोन लेके जाओ तो यार अच्छा नहीं लगता, कोई सोचेगा क्या, बट कहीं घूमने जाऊँगी तो ज़रूर ब्लॉगिंग करूँगी। और ऐसे ही पहले जो बर्तन मेरे धुल चुके हैं उन्हें सूखे कपड़े से पोंछ के साथ लगा दूँगी, उसके बाद ही करूँगी पूरा किचन नीचे से साफ। यहाँ मेरे चौक में पोछा रह गया थोड़ा सा और यहाँ किचन का रह गया, और तो सारा मैंने निपटा दिया है। बस ये सारे मैं चीनी और इन सब के डिब्बों को भी रोज़ के रोज़ ही साफ़ कर देती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं रोज़ अपने नमक के चीनी का और चाय पत्ती का डिब्बा मैं रोज़ के रोज़ ही क्लीन कर देती हूँ, जिससे कि जो भी रोज़ के हाथ लगते हैं, ये डेली यूज़ होने वाले डिब्बे हैं मेरे, तो इन पर गंदी नहीं चढ़ने देती साथ के साथ, या तो मैं साबुन से धो देती हूँ नहीं तो अपने वही किचन के कपड़े से उसको क्लीन करके बिल्कुल साफ़ से रख देती हूँ, इससे ये एरिया मेरा बिल्कुल साफ़ लगता है। और बर्तन भी मैंने सूखे कपड़े से पोंछ के साथ लगा दिए हैं ड्रॉर्स में, कि गीले बर्तन में लगाती नहीं हूँ क्योंकि सीलन आने से स्मेल आने लग जाती है ड्रॉर्स में इसी वजह से। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं गैस को भी पूरा क्लीन कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी, इसके बाद ही अब दोपहर का खाना तैयार करूँगी सबके लिए। और एक बार फ्रेंड्स के पूरा ये दिन ऐसे ही निकल जाता है घर में काम करते करते, और सारे ये सोचते हैं कि घर में बैठी हुई लेडीज़ घरवाली घर लेडीज़ वेली होती है, कि उसको कोई काम नहीं होता, पूरा दिन फ़ोन चलाती रहती है, बट थोड़ी देर को अगर फ़ोन चलाओ तो सब ऐसे देखते हैं, और ये नहीं पता कितना काम निपटाने के बाद थोड़ा सा अपने आप को टाइम देते हैं रिलैक्स होने के लिए। देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ मेरा पोर्शन पूरा क्लीन हो गया है, सारा किचन एरिया देखिए आपने सुबह देखा था, और अब देखिए सारे रूम मेरे क्लीन हो गए हैं। और एक बात फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। ओके फ्रेंड्स टेक केयर, ध्यान रखिए,
अपना, अपने परिवार का। और ऐसे ही छोटे छोटे से ब्लॉग लेकर मैं आती रहूँगी, जो मेरी डेली की अपनी एक्टिविटी है सफाई की। ये आज देखो घर कितना अच्छा लग रहा है, बच्चे नहीं है तो बिल्कुल साफ़ सुथरा, और जब वो आ जाएंगे तो पूरा घर एकदम ऐसे फैला देंगे जैसे यहाँ सफाई नहीं हुई थी। अच्छा लग रहा है ना, ऐसी करती हूँ मैं रोज़ाना की सफाई। ओके फ्रेंड्स, बाय।